वादी दे दिया ना बंदा कौन करे वहाँ पर। तू हेल्थ लगा रहा हो बहुत ठीक है। बहन आई मेरे पास बहन ले गई मम्मी अच्छी मम्मी हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। मैं लेके आ गया हूँ एक और गेम प्ले वीडियो, जो कि अब स्टार्टिंग से लेके आया हूँ, क्योंकि भाई इसीलिए नहीं दिखाता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं प्लान वगैरह दिखाता नहीं हूँ, काट देता हूँ ज़्यादातर वीडियो में। तो पर इस बार मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत खींचने वाला है। तो बात कर लेते इस वीडियो गेम के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो कि स्टेडियम पे उतरे रखे थे अपन, जो कि इधर बहुत बसड़ मचने वाली है। तो देखते जाइए, 2 से 3 से स्क्वाड आ जाएंगे, 2-3 स्क्वाड कम से कम आएंगे, तो मतलब टीम्स। तो कुछ नहीं, फिलहाल मेरे को शॉर्ट गन मिल गई थी इधर, तो अब बंदे भाग चुके थे उधर से, एक छलांग लगा दी, एक तो नीचे ऊपर से ग्रेनेड डाल रहा था, फिर भाग गया अचानक, पता नहीं कैसे। पहले ग्रेनेड डालते हैं, फेंकते हैं, फिर भाग रहे हैं। 2 दे दी मैंने इसकी शॉर्ट गन पर, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे सामने ये है, मेरे हत्ते चढ़ जाता है ये वाला बंदा, जो कि इसमें किसी ने चाबी ऐंठ दी थी, तो भागे जा रहा था। तो पकड़ते हैं इस बंदे को और फिनिश भी करते हैं। सामने M4 डड़ी थी, तो M4 ले लेते हैं, जो कि मैं देखता हूँ कि इसका टीममेट रश मारने वाला है। तो नीचे से फुस्टॉप आने लगी थी मेरे को, तो ये इसको मैंने पहले ही नॉक किया रखा था। इसका टीममेट नहीं था, टीममेट होता तो डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। तो कोई ना भाई, अपन को क्या मतलब है, अपन को तो किल चाहिए। पर अभी स्टेडियम में आप सोच रहे हो कि क्लियर हो गया होगा स्टेडियम, पर अभी क्लियर नहीं है, अभी फुस्टॉप रेगुलर चालू है। तो मैं जैसे इधर उधर चेक करता हूँ थोड़े बहुत फुस्टॉप वगैरह, तो अचानक से फुस्टॉप आने लगते हैं मेरे को सामने की साइड से। तो मैं इधर से ग्रेनेड वगैरह तो खैर नहीं आ जाने वाला है, उधर तो उस साइड ही है जहाँ तक कर भी है। पर ये बंदा भाई बहुत चालाक होने वाला है, तो देखते हैं, ये काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो क्योंकि मेरे कुछ खास वेपन नहीं मिले थे, हेलमेट Level 1 का है, तो आई थिंक वो बंदा इस साइड से आ रहा था थोड़ा बहुत, पर पीछे की साइड चला जाता है। मैं सोचता हूँ अब आता है, पर दो दो फुस्टॉप आने लगे थे, जो कि मैंने पहले 2 बंदे मारे थे वो अलग अलग टीम के थे, इन्हीं के बंदे थे, तो इनका आपस में भिड़ना भी हो सकता था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये एक 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 की टीम है, मतलब एक ही टीम है, वो अलग अलग स्क्वाड के बंदे आ चुके थे, तो मैं ऐसा सोच रहा था, पर ऐसा नहीं होता है। तो देखते जाइए, पर फिलहाल मैं एक ग्रेनेड को करता हूँ, तो इधर से मेरे को कुछ एंगल नहीं मिलता, मैं नीचे कूद जाता हूँ। जैसे ही भाई मैं नीचे कूदता हूँ, तो मेरे को अचानक से नीचे फुस्टॉप आने लगते, तो ग्रेनेड मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि इसने एक बंदे को तो लपेट दिया था AKM के साथ, पर साइज से वो बॉट ही था, कुछ बंदा नहीं था, देख सकते हो आप। तो इसने मेरा Level 1 का कटोरे वाला हेलमेट गायब कर दिया है, तो मैं हीलिंग वगैरह लगाता हूँ फटाफट से। तो तैसी भाई एक बंदा और रस मार देता है हमारे ऊपर, जो कि फुल मूड में थे आज, तो पर जिगल वगैरह करके थोड़ा बहुत इसको भी भाई लॉबी में पहुँचा देते हैं अपन। तो कोई ना भाई, हीलिंग वगैरह फिर से लगाना पड़ेगा बैकअप करके, तो इधर से भी लूट लेंगे फटाफट, फिर निकलेंगे गाड़ी की तलाश में, क्योंकि गाड़ी के लिए काफ़ी इधर जाऊंगा फिर भी उधर जाऊंगा, उसके टाइम में भाई काफ़ी किल चले जाएंगे मेरे हाथों से। तो मैं गाड़ी घूम फिर के भाई 29 बंदे लाए थे, और मैं गाड़ी लेने इस साइड आया, फिर उस साइड से गाड़ी नहीं मिली मेरे को। तो कोई ना भाई, चलो देर में ही सही, पर अब तो किल स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि देखते जाइए स्पीड। तो इधर मेरे को अपार्टमेंट से काफ़ी टाइम से फुस्टॉप आ रहे, वो गन साउंड आ रहे थे, जो कि मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि गाड़ी नहीं थी, रस नहीं मार सकता था। तो ये बंदे के अलग ही नशे, ग्रेनेड इसने कुक कर लिया था हाथ में, पर छूट भी गया, क्योंकि इसको मैंने नॉक कर दिया, तो वो ऑब्वियस सी बात है छूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये अपने ग्रेनेड से खुद से मर गया, तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने इसको किल, फिर मैंने नोटिस नहीं की, कि मैंने सोचा इसने मेरा किल चोरी किया है, तो इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं अपने
मैं सोच रहा था कि इसी ने ग्रेनेड कुक करके उधर डाला था, मेरे को पिन खींचने की आवाज़ आई थी, पर उस बंदे ने खींची थी पिन, ऐसा नहीं था। जो कि ये ग्रेनेड वगैरह मेरे डालने का विचार था, पर मेरे साथ स्कैम हो जाएगा इस साइड, क्योंकि मैंने स्कोप वगैरह ओपन कर रखे थे, थोड़ी देर बाद हुए तो इतना टाइम में बंदे ने देख लिया और भाग भी गया वो। तो मैं ये ग्रेनेड कुक करके डालता हूँ, जो कि कुछ काम का तो नहीं होने वाला है, पर मैं डाल देता हूँ कि साइज से कुछ चमककार हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है तो सीधा रस मारेंगे फिर। तो मैं सोच रहा था, पहले दो बंदे की फुस्टअप आए थे, तो मैं सोच रहा था कि दो बंदे हैं तो इसीलिए थोड़े बहुत मैं सोच रहा था कि ऊपर से मारूं, एक आध को नॉक कर दूंगा, तो फिर नॉक करूं या लो करूं तो सीधा रस मार दूंगा। पर मैं सोचता हूं चलो देखा जाएगा होगा, वैसे तो मैं सीधा गुस्सा चला जाता हूं, क्योंकि इसको लो तो कर दिया था मैंने थोड़ा सा ही, तो मेरे को इसका शक हो रहा था कि ये बंदा इधर हो सकता है। तो मैं जैसे ही भाई इधर उधर देखता हूँ कि बंदे के फुस्टअप अचानक से बंद हो चुके हैं, तो इस कुंडे में भाई साहब कैंप चल रहा है इन लोगों का, तो इसको ही फिनिश कर देते हैं। तो बस थोड़ी बहुत लूट करेंगे इधर से। फिलहाल एक फुस्टअप बॉट के होने बॉट के थे वो वाले जो आप सोच रहे थे, ये दो फुस्टअप आए थे मेरे को शुरुआत से जब मैंने गाड़ी रोका था इधर, तो वो बॉट का था जिसको मैं इजीली मार देता हूँ, क्योंकि बॉट का भाई एक केडी मेंटेन होता है, तो मैंने इधर सात का केडी मेंटेन कर लिया है। तो भाई इधर रुकने से कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, तो मैं निकलता हूँ भाई गाड़ी वगैरह लेके। तो इधर से मेरे को कुछ बॉट फायर कर रहे थे, मैंने सोचा आसपास बंदे हैं, अचानक से थॉम्सन चलने लगी ऑटो पे, तो मैंने सोचा बंदे वगैरह होंगे तो इसको तो मैं कुचल नहीं पाता हूँ। पता नहीं मेरे साथ कौन से सीन हो रहे हैं भाई, स्कोप ओपन कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। देखो मैंने गन पीछे हो गया था मेरा, गन चेंज कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ मतलब ये स्कैम थोड़ी बहुत चल रहे हैं, तो जो कि ठीक ठाक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल इनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस कारण से वो मेरा अपार्टमेंट वाला बंदा था वो बच चुका था, क्योंकि बचा नहीं था, मैंने मार दिया आखिर में आके, पर ऊपर से मर जाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो जितना हो सके भाई बंदे को दूर से मारने का कोशिश करो, क्योंकि पास में जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वाड का मैच है तो उनके बंदे भी हो सकते हैं, टीम का मतलब ड्यू का। तो अचानक से मेरे को फिर से अपार्टमेंट की तरफ से फायरिंग चलने लगी, थॉम्सन चला रहा है कोई कर्री वाली ऑटो पे। तो मेरे अच्छे गलीचे से मैं इधर गाड़ी रोक रहा हूँ, काफ़ी दूर जाके जा रहा हूँ, तो इधर से मेरे को रेगुलर फुटस्टेप तो आने लगे हैं, जो कि एक बंदे के नहीं है, वार्ड वगैरह नहीं है। तो मैं खड़ेआम मैं ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं सीधा रस मारो फिर रुकने का नहीं, अगर रुके तुम तो फिर खतरा आपको ही है। फिर मेरे को अचानक से पीछे से फुटस्टेप आने लगे, तो मैंने सोचा मौली उधर नहीं जाएगा, तो जाके रस मारूंगा मैं इसी बंदे, इसी भाई अपार्टमेंट का वो बंदा। तो इसको मैंने लगभग थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया था, बदले में इसने भी मेरे को थोड़ा सा ही दिया। तो एक मौली कुक करके किया, मतलब ऐसे ही डाल दूंगा, जो कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मौली से, तो बाहर निकल जाता है। तो मैं फ्री फायर दिए जा रहा था, क्योंकि भाई गोली फ्री में आती है, कुछ पैसे नहीं। पर इसके साथ ये स्कैम हुआ, जो कि भाई इसने एक गोली चलाई रिलोड मार ली, एक गोली चलाता रिलोड मार लेता, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार स्कैम हो चुका है ऐसा, जो कि एक गोली चला के मतलब लोड करने की आदत है, जो कि मेरी भी है, तो इस आदत से कई बार मारे भी जा सकते हैं। तो इसके चक्कर में काबू करने में मैंने बहुत टाइम लगाया, तो हमेशा ध्यान रखना कि कवर में जाके रिलोड करने का। तो कोई ना, फिलहाल इसके साथ तभी मैं दो AR गन रखता हूँ। तो इस बात कर लेते इस बंदे के बारे में, लिटरली मैं बने चुके चाहता कि गाड़ी फटने से थोड़ा थोड़ा रह गया। फिलहाल इधर भी दो दो गाड़ी लगी हुई थी, तो इधर बंदे होने के काफ़ी खतरनाक चांसेस हैं। तो मेरे को अचानक पड़ने लगती है, तो मैं उस बंदे को तो इग्नोर इसलिए करता हूँ क्योंकि इस साइड से मैं मारा जा सकता था। तो इधर तो मैं बाल बाल बचा, पर एक बार और भी बिल्कुल बाल बाल बचने वाला हूँ कि मेरा भाई, मेरे को अचानक से खिड़की में बंदा स्पॉट तो हो गया था। तो भाई वो एम लेके बैठा था, मेरे को डर था कि उसके पास AWM ना हो या फिर कुछ खतरनाक सीन हो जाए। तो मैं बड़ी मुश्किल में थोड़ा बहुत पिक देता हूँ, जैसे भाई मैं उसको डैमेज देता हूँ थोड़ा बहुत, तो जैसे भाई मेरी RPG की आवाज़ सुन के मैं भागता हूँ पीछे की साइड, क्योंकि भाई RPG थी बंदे के पास कसम से। तो भाई RPG से तो यार बहुत ख़तरनाक बंदे हैं ये लोग, ड्रॉप वगैरह की लूट करके बैठे हुए हैं।
आरपीजी है, और फिलहाल इसका बंदा आखिरी वाला रस मार रहा है मेरे ऊपर, लास्ट नहीं होती मेट इसका, जो कि शॉर्ट गन लेके भाई पूरे चौड़ में आज रस मार दूंगा मैं ये बोल रखे। तो इसको मैंने भरपूर डैमेज दिया, फिर अचानक भागने लगता है, तो भागने तो नहीं देते हैं कि इसके भाई चौड़ देखो, क्योंकि इसने एस्ट्रेल की क्या ले ली, तो भाई देखो कितना जो कहते हैं मार ही दूंगा आज तो। पर इसको कुछ नहीं, इसका घपा घपा बन मार देते हैं इसको भी, तो इतना डैमेज का टीममेट रस मार देता है, जो कि खास कैंपिंग करने चालू हो गई थी इधर, पर इसके पास लिटरली आरपीजी थी, तो इस रस करने से मेरी काफ़ी फट रही थी। तो फिलहाल ये आरपीजी का यूज नहीं करता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसने एमओ वगैरह ख़त्म कर दिए, तो इधर से अपनी इसकी एस ट्वेल्व की अपनी हो जाएगी, कपा का लूट ले लेंगे अपन इनसे। तो एक बॉट भी आता है, तो अपना केडी मेंटेन हो गया थोड़ा बहुत और भी, तो एस ट्वेल्व के ले लिए, तो इसको वगैरह कुछ खास चाहिए नहीं मेरे को, 6x लगा के एम फोर बस। और फिलहाल इधर भाई 3 बंदे लाए बच्चे हैं सिर्फ मात्र, तो 6x लगा लिया मैंने, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा था क्योंकि भाई फालतू में बैग क्यों भरूं अपना। तो अचानक से मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ कि कुछ मिल जाए और सा, तो फिर खैर कुछ मिलता नहीं है, मैं वो कुछ चाहिए नहीं, पर यार थोड़ा बहुत आदत है ना एक लूट करने का, जो कि काफ़ी ख़तरनाक आदत है, ख़राब है, जो कि सब कुछ होते हुए भी भाई लूटना जरूर लूटते हैं किसी का ही पेटी को खोल के, तो जरूर देखना है क्या क्या है इस बंदे पर। तो इधर आके मैं फैल जाता हूँ, क्योंकि फैल गया मैं, बंदे नहीं मिल आए थे क्योंकि मैं जोन के अंदर ही था, कुछ खास बार नहीं था। तो इधर तो मैं फैल जाता हूँ, जो कि सामने कुछ गन साउंड आ रहे थे हल्के से बारीक से, जो M249 से किसी पर प्रहार हो रहा है, तो मैं फुल सक्सेस कर लेता हूँ कि अचानक से सिंगल पे कर लूँगा, ऑटो पे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके एक एमओ पड़ता है जाके कहीं जाके, तो मैं सोचता हूँ और भी देता हूँ कि कहीं से कुछ पड़ जाए, हेड वगैरह कुछ हो जाए। तो गिलिच था ये, क्योंकि वो बंदा तो कवर में था, मेरे को दिख रहा था, और इसको खोल रहा था तो नहीं दिखता। फिलहाल मेरा सिंगल पे था, तो इसको कुछ खास डैमेज नहीं दे पाया, ये भाग जाता है जोन के अंदर, क्योंकि इसने एक बंदे को मार तो नहीं दे पाया, पर इसने उसको इतना लो कर दिया कि वो जोन से ख़त्म हो गया था। पर लास्ट बंदे के पास M249 है, तो इससे कुछ जान पंगा नहीं लेते अपन, क्योंकि ये भी आसानी से जोन के अंदर आ चुका था, क्योंकि इसके पास गाड़ी थी, बग्गी फटी हुई थी थोड़ी बहुत। तो अचानक से इस बंदे के साथ चल क्या स्कैम हो रहा है, क्योंकि ये भाई इसको फैलने की काफ़ी गंदी आदत है, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ही फैला था, तो ये बोल रहा था कि मैं तेरे से बड़ा वाला हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा ही फैल रहा था, क्योंकि तो इसको भाई वो उधर तो उधर भी फैल के मार रहा था M249 से, तो इधर भी फैल चुका था, तो किसने सोचा कि बात नहीं बनने वाला है फैलने से। तो ये जोन के अंदर भाग के आता है काफ़ी तेज़ी से, तो इतनी आसानी से नहीं आने देते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो भाई 300 के पास है अपन सब्सक्राइबर के, तो भाई कंप्लीट करा देना इस वीडियो में, और उसके लिए मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। मैं लेके आ गया हूँ एक और गेम।